कीरतपुर नेरचौक फोरलेन निर्माण के दौरान कार्य में लगी कंपनी द्वारा लीज होल्डर ट्रांसपोर्टर तथा ठेकेदारों के करोड़ों रुपए अदा न करने पर उक्त लोगों ने बिलासपुर में सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर हल्ला बोल दिया था। हालांकि पहले पैसों की अदायगी के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन बैठक में ठेकेदारों के हित में कोई सही निर्णय न आने पर शाम को ठेकेदारों ने बस अड्डे के समीप NH 205 पर रात को चक्का जाम कर दिया। कीरतपुर नेरचौक फोरलेन निर्माण के दौरान कार्य में लगी कंपनी द्वारा लीज होल्डर ट्रांसपोर्टर और ठेकेदारों के करोड़ों रुपए अदा न करने पर उक्त लोगों ने बिलासपुर में सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर हल्ला बोल दिया है। हालांकि पहले पैसों की अदायगी के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजन किया गया, लेकिन बैठक में ठेकेदारों के हित में कोई सही निर्णय न आने पर शाम को ठेकेदारों ने बस अड्डे के समीप चक्का जाम कर दिया। गुस्साए ठेकेदारों ने करीब 15 मिनट तक बस अड्डे में चक्का जाम किया और जमकर नारेबाजी भी की, जिसके बाद पुलिस के हस्तक्षेप करने के बाद सभी प्रभावित लोगों को मौके से हटाया गया और यातायात को बहाल करवाया गया। बिलासपुर SP साक्षी वर्मा ने बताया कि ठेकेदारों द्वारा NH मनाली चंडीगढ़ पर कुछ समय के लिए चक्का जाम किया था। इस दौरान पुलिस ने ठेकेदारों के खिलाफ कानून की अवहेलना करने पर कार्रवाई की है। वर्मा ने बताया कि किसी भी तरह का NH या लॉ ऑर्डर के तहत बंद करने का प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने लॉ ऑर्डर का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। हुआ है इसमें कि NH कुछ समय के लिए ब्लॉक किया गया था, उसमें पुलिस ने कल ही अपनी एक्शन ले लिया था और पुलिस की कार्रवाई उसमें जारी है और आगे के लिए भी ये चीज श्योर है कि किसी भी तरह से ना तो NH या किसी भी तरह का लॉ ऑर्डर प्रॉब्लम किसी को भी क्रिएट करने दिया जाएगा। उसके अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट हमारे सामने आएगा तो उसमें एज पर लॉ एक्शन जरूर लिया जाएगा।